नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। बिहार पुलिस को मिली 1433 नए वाहनों की सौगात। बिहार में सरकारी स्कूलों की नई टाइमिंग वाला लेटर निकला फर्जी। सदन में सवाल पूछने का मौका नहीं देने पर विपक्ष ने किया वॉकआउट। बिहार में 100 शहरों का स्मार्ट सिटी के तर्ज पर होगा विकास। ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सूची से BCCI ने किया बाहर। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार पुलिस को मिली 1433 नए वाहनों की सौगात। बिहार पुलिस को सीएम नीतीश कुमार ने 1433 नए वाहन सौंपे हैं। राज्य में डायल 112 आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी सेवा के पहले चरण का विस्तारीकरण किया जा रहा है और उसके साथ ही इसके दूसरे चरण की शुरुआत के लिए पुलिस वाहनों का लोकार्पण हुआ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने 1433 पुलिस वाहन विभाग को सौंपे हैं और इससे अपराध के नियंत्रण में मदद मिलेगी। पुलिस को सुदृढ़ करने को लेकर सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभाग को नए वाहनों की सौगात दी। पुलिस को ये वाहन मिल जाने के बाद काफी सहूलियत होगी और जल्द से जल्द घटनास्थल पर वो पहुंच सकेंगे। बिहार में सरकारी स्कूलों की नई टाइमिंग वाला लेटर निकला फर्जी। बिहार में सरकारी स्कूलों की नई टाइमिंग वाला शिक्षा विभाग का लेटर फर्जी निकला। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने खुद जानकारी दी और इसके साथ ही उन्होंने शिक्षकों से अपील किया कि वायरल लेटर पर ध्यान नहीं दिया जाए। इसे शिक्षा विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया। विभाग ने फर्जी लेटर को संज्ञान में लिया है और गंभीरता दिखाई है। मालूम हो कि एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इसमें स्कूलों की टाइमिंग के संबंध में कहा गया था कि शिक्षक 9:45 पर स्कूल आएंगे और 4:15 पर अपने घर लौट जाएंगे, लेकिन ये लेटर फर्जी निकला। बिहार कृषि सेवा की 1 व 2 मार्च को होगी परीक्षा। बिहार कृषि सेवा की लिखित परीक्षा का 1 व 2 मार्च को आयोजन किया जाएगा और एग्जाम में 1 घंटे पहले तक ही परीक्षार्थियों को एंट्री मिलेगी। वहीं 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन होगा। मालूम हो कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से बिहार कृषि सेवा के अलग अलग पदों पर भर्ती ली जाएगी। 12 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी और इसमें प्रति पाली में 14,736 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। कदाचार मुक्त परीक्षा करवाने के मकसद से दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की आवश्यक दिशा निर्देश उन्हें दिए गए हैं। आपको बता दें कि एग्जाम के दौरान सेंटरों पर वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। अनुपूरक बजट पर CAG ने सरकार से किए सवाल। CAG ने जानकारी दी है कि बिहार में बजट का 78% पैसा खर्च हो रहा है। इसकी पूरी राशि खर्च नहीं की जा रही है। CAG ने सरकार से सवाल किया है कि ऐसा होने पर अनुपूरक बजट क्यों लिया जा रहा है, इससे वित्तीय बोझ में इजाफा हो सकता है। विधानमंडल के दोनों सदनों में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की विनियोग रिपोर्ट में इस बात की जानकारी सामने आई। इसमें कहा गया है कि साल 2022 और 2023 में अनुपूरक बजट को जोड़ते हुए कुल 3,16,86 करोड़ व्यय का प्रावधान था। इसमें से सिर्फ 77.95% राशि का ही व्यय किया गया। बिहार के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 15 नए कोर्स की होगी शुरुआत। बिहार के गया जिले में स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के पाठ्यक्रम में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि 15 से 31 मई के दौरान कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा आयोजित होगी। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में 2024-2025 शैक्षणिक साल में 15 नए इंटीग्रेटेड UGPG कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है और इसका मकसद है कि युवाओं के भविष्य और करियर को और बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। फिलहाल स्नातक स्तर पर 4 कोर्स चलाए जा रहे हैं, लेकिन अब इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। सदन में सवाल पूछने का मौका नहीं देने पर विपक्ष ने किया वॉकआउट। सदन में सवाल पूछने का मौका नहीं देने पर विपक्ष के सदस्य वेल में पहुंच गए। हंगामे के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। विपक्ष के विधायकों ने स्पीकर पर आरोप लगाया कि उन्हें सवाल पूछने का मौका नहीं दिया गया। इसे लेकर विपक्षी सदस्यों ने सदन में जोरदार हंगामा किया, साथ ही नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन भारी हंगामा करते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के आरोप पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भड़क गए थे। उन्होंने विपक्ष के विधायकों को सख्त लहजे में चेतावनी दी। अध्यक्ष ने कहा कि सदन नियम और कानून से चलता है, लेकिन विपक्ष ने किसी की बात नहीं सुनी और सदन से वॉकआउट कर दिया। के पाठक के आदेश को लेकर सदन में विपक्ष ने किया हंगामा। बिहार विधानसभा की कार्यवाही जारी है। सदन में स्कूल के समय को लेकर के पाठक के आदेश का विपक्ष ने विरोध किया। नाराजगी जताते हुए विपक्ष के सदस्यों ने वेल में पहुंचकर हंगामा किया। दरअसल एक पत्र जारी हुआ था जिसमें स्कूल का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक का बताया गया।
इसे शिक्षा विभाग ने फर्जी करार दिया है। साथ ही सभी को पुराने समय पर ही स्कूल आने के लिए कहा गया है। इसे लेकर विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा की कार्यवाही 1 मार्च तक चलेगी। ये लगातार दूसरा सप्ताह है जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में नहीं पहुंचे हैं। वो राज्य में जन विश्वास यात्रा पर है। बिहार के 100 शहरों का स्मार्ट सिटी के तर्ज पर होगा विकास। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर 100 शहरों के विकास का मास्टर प्लान तैयार किया है और इसके तहत सभी शहरों को विकास किया जा रहा है। शहरों का चयन करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हर क्षेत्र के लिए अलग अलग जोन बनाने की योजना तैयार हुई है। मालूम हो कि पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे शहरों में कई सालों से मास्टर प्लान पर काम जारी है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। गंगा किनारे शहरों का गंदा पानी नदी में नहीं जाए, इसे लेकर नमामि गंगे योजना के तहत काम किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने सभी कुलपतियों के वेतन पर लगाई रोक। बिहार के शिक्षा विभाग ने सभी कुलपतियों के वेतन पर रोक लगा दी है। शिक्षा विभाग की बैठक में शामिल नहीं होने वाले रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रण के वेतन पर रोक लगा दी गई। ये रोक अगले आदेश तक रहेगी। मालूम हो कि शिक्षा विभाग की बैठक में सिर्फ 2 विश्वविद्यालय के 3 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसके बाद अब विभाग ने अनुपस्थित सभी कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रकों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। विभाग की बैठक में शामिल नहीं होने के मामले को शिक्षा विभाग ने काफी गंभीरता से लिया। वेतन में रोक लगाने के साथ ही विश्वविद्यालयों के खाते पर भी रोक लगाई गई है। उत्तर बिहार के जिलों से सिवान जाना हुआ आसान। उत्तर बिहार के जिलों से सिवान जाना अब और भी आसान हो गया है, क्योंकि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी के लिए परिवहन विभाग ने 4 सरकारी बसों की सेवा की शुरुआत की। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड के कटारू से बैडिया के लिए एक नया रूट अधिसूचित हुआ है। बिहार परिवहन विभाग के उप सचिव ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की। इसमें 47 मार्ग को अधिसूचित किया गया। मुजफ्फरपुर से कटारू जाना भी आसान हो जाएगा। लंबे समय से पारू के कटारू के लिए बस सेवा नहीं थी, लेकिन अब नए रूट के मिल जाने के बाद यहां बस सेवा की शुरुआत की जा सकती है। विधानसभा में भाजपा ने अपने ही सरकार को घेरा। बिहार विधानसभा में आज बीजेपी ने अपनी ही सरकार का घेराव किया। भाजपा के विधायक ने सदन में शायरी के जरिए भूमिहीन लोगों को जमीन नहीं मिलने पर सवाल किया और इसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इस मामले की जांच की बात कही है। भाजपा के विधायक विनय बिहारी ने सरकार से सवाल किया कि अंचल में कितने भूमिहीन फॉर्म को जमा किया जाता है, इसमें से कितनों की जांच की गई है। इस पर सरकार ने जवाब दिया है कि 70 ऐसे लोग हैं। हालांकि इस मामले की जांच जारी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि राजस्व पदाधिकारी ने 77 परिवारों को चिन्हित किया। इनमें से 64 परिवारों को चिन्हित कर जमीन दिया जा रहा है। अगर विधायक दावा कर रहे हैं कि ऐसे 1000 परिवार है तो इस मामले की जांच होगी। अपराध नियंत्रक विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करेगी आरजेडी। बिहार विधानसभा का बजट सत्र जारी है। इस दौरान सरकार अपराध नियंत्रक बिल को पास कराएगी। इसे लेकर विपक्ष ने विरोध करना शुरू कर दिया। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि ये कानून सही नहीं है और ये आपातकाल की तरह है। आरजेडी इसका विरोध करेगी। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि इस कानून के आने के बाद डीएम जिसे भी चाहेंगे उसे अपराधी घोषित कर देंगे। पुलिस अपनी मनमानी करेगी। इस तरह के कानून को लाना सही नहीं है। भाई वीरेंद्र ने आगे कहा कि वो जनता से भी अपील करेंगे कि इस कानून का सड़क पर उतर कर विरोध करे। राजद भी इसके खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। मोहन भागवत का 4 दिवसीय बिहार दौरा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 4 दिवसीय के बिहार दौरे पर है। 29 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक वो बिहार के दौरे पर रहेंगे। जानकारी के अनुसार संघ के शताब्दी साल की योजनाओं की समीक्षा के लिए मोहन भागवत पटना आ रहे हैं। मालूम हो कि नागपुर में विक्रम संवत साल 1982 में विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। वहीं मोहन भागवत के बिहार दौरे को साल 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ये साल संघ का निर्वाचन साल भी है। प्रत्येक 3 साल पर संघ के पदाधिकारियों का निर्वाचन स्वयंसेवक करते हैं। तेजस्वी यादव ने शरद यादव के घर उनके समाधि पर पुष्प किया अर्पित। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर है। इस दौरान वो मधेपुरा पहुंचे। यहां पर समाजवादी नेता शरद यादव के घर पर वो पहुंचे और साथ ही उनकी समाधि पर तेजस्वी यादव ने पुष्प अर्पित किया। इसके बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सर्किट हाउस पहुंचे। यहां राजद के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। लखीसराय में भी तेजस्वी यादव ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रहलाद यादव पर निशाना साधा और तेजस्वी यादव ने कहा कि अच्छा हुआ वो खुद चले गए, अब युवाओं को मौका देंगे। उम्मीद है कि जो डील हुआ उसका फायदा उन्हें मिलेगा। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा है कि राजद माए और बाप दोनों की पार्टी है और हमारे लिए
माई बाप दोनों ही जनता है। ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सूची से बीसीसीआई ने किया बाहर। ईशान किशन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सूची से बाहर कर दिए गए हैं। बीसीसीआई ने उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है और इनके अलावा श्रेयस अय्यर के साथ भी ये कार्रवाई हुई है। बीसीसीआई ने कहा कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को वार्षिक अनुबंध में शामिल नहीं किया जा रहा है। बोर्ड ने दोनों ही खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल को छोड़कर घरेलू क्रिकेट को प्राथमिकता देने के लिए कहा था। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों से अपील की है कि जब वह राष्ट्रीय खेल का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं तो वो घरेलू खेल में भाग लेने को प्राथमिकता दे। और उसके बाद पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री ने कहा है कि क्रिकेट के खेल में वापसी आपके जज्बे को परिभाषित करती है। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन हौसला रखो। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। और जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, रवि कुमार राय, सुजीत गोप, दीपक कुमार, बाबूलाल मरांडी, गुनर शर्मा, गणेश झा, राजकिशोर महतो, अखिलेश चौधरी, अर्जुन राम, मोहम्मद शकीर हुसैन, नौशाद रजा, मदन कुमार, मोहित राज, कुमार शॉ, सचिन कुमार, उमेश श्रीदेव, गुनर शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है शिक्षा विभाग की बैठक में शामिल नहीं होने के कारण कुलपतियों के वेतन पर रोक लगाने पर आपकी राय क्या है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।